अगर मैं कहूँ कि 3200 रुपए से ज़्यादा की दवाई आपको 700 रुपए से भी कम कीमत पर मिल जाएगी तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जयपुर में एक मेडिकल स्टोर ऐसा है जो सबसे सस्ता है और वहाँ आपको दवाइयाँ बाज़ार से बेहद कम दाम पर मिलेगी। ये स्टोर जयपुर में कहाँ है, कैसे आपको यहाँ से दवा मिलेगी, ये सब इस वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन पहले सुनिए समाज सेवी और इस दुकान के मालिक महावीर सिंह नाथावत को कि आखिर वो इतनी सस्ती दवा कैसे और क्यों दे रहे हैं। बेसिकली हमारा मेडिकल में आने का, मेडिसिन के इसमें आने का विचार इसलिए बना कि जब ये देखा कि दवाइयां जो मार्केट में बहुत सस्ती आती हैं उनको लोग बहुत महंगी महंगी बेच रहे हैं और कालाबाजारी भी कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेडिकल स्टोर शुरू किया और उसमें सस्ती दवाई लेने का प्रावधान रखा गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि सरकार दवाई पे 12% टैक्स लेती है, हम उससे कम प्रॉफिट में लेके दवाई बेचें और इसी संदर्भ में हमने मेडिकल स्टोर शुरू किया। कितनी दवाइयां है, क्या कितना रेट का डिफरेंस होता है? हमारे पास अभी लगभग 500 के लगभग दवाइयां हैं, क्योंकि ये एक जनरल रूटीन मेडिकल स्टोर नहीं है, सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ही है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें एक दिन पहले वो दवाई का नाम बता दे तो हम वो उसको दवाई मंगा के प्रोवाइड कर सकें। वैसे रेडी हमारे पास 500 के आसपास आइटम दुकान में रहते हैं। और कुछ एग्जांपल, हाँ, कितना कितना फर्क है दवाओं में आप बताइए। एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको दवाओं में कितना रेट का फर्क होता है। एक रूटीन आपने देखा होगा कि कब्जी एक रूटीन प्रॉब्लम है और कब्जी में लोग कब्जी की दवाई लेते हैं, जैसे जिसमें ग्लिसरीन बड़ा पॉपुलर है जी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको बिल्कुल सही वो बताता हूँ कि कितने की दवाई आती है और कितने में बेची जाती है। अब हम लेते हैं ग्लिसरीन, ये है ग्लिसरीन 100 ग्राम जी। इसकी MRP जो ग्लिसरीन की सीसी के ऊपर लिखी हुई है वो है 50 रुपए जी, जबकि ये हमें मिलती है 17.50 रुपए में। इसको अगर हम 20% प्रॉफिट लगाते हैं तो ये हो जाती है 22.32 रुपए की, और इस पे जो सरकारी टैक्स है वो लग के हो जाती है 25 रुपए की जी। तो इस दवाई को हम 50 रुपए की जिसकी MRP रेट है उसको 25 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह ग्लिसरीन का जो 400 ग्राम का पैक है वो है 160 रुपए का, और वो हमें मिल रहा है 56 रुपए में और हम इसे बेच रहे हैं 86 रुपए में जी। 56+12% टैक्स प्लस हमारा प्रॉफिट जी। तो इसी तरह ये काफी दवाई है। और सर्जिकल आइटम्स में तो बहुत ज्यादा फर्क है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कैथेटर लगाए रहते हैं यूरिन के पेशेंट होते हैं उसमें वो कैथेटर की रेट बाजार में 248 से 250 के बीच है, 225 के बीच रेंज करती है, जबकि वो सारे कैथेटर सब साइज के मात्र 125 रुपए में हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह और भी सर्जिकल आइटम है, जो हार्ट से रिलेटेड दवाई, हार्ट से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसपे बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं, जो 3-3.5 हजार रुपए की, जबकि हम लोग 1000 रुपए में दे देते हैं। थर्मोमीटर लीजिए, थर्मोमीटर 400 रुपए से कम में नहीं आता, हम लोग इसको 105 रुपए में 100 रुपए में बेच रहे हैं। एक तो आपने देखा हो गर्म करके वो थैली आती है जिसमें गर्म पानी भर के और उसमें करते हैं, वो नॉर्मली मार्केट में 300 रुपए का आता है, जो हम लोग 175 में 125 के आसपास बेच रहे हैं। तो ऐसे कई आइटम है और ये हमारी गारंटी है कि हम लोगों से कम प्राइस कोई दे नहीं पाएगा जब या सर्जिकल आइटम ही नहीं, ऐसी कई दवाएं हैं जो आपको यहाँ बाज़ार से बेहद कम दाम पर मिलेगी। अब सुनिए ये स्टोर कहाँ है और कैसे इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। दुकान फर्स्ट फ्लोर पे है, SMS के बिल्कुल नज़दीक एक सुंदर मार्केट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सब दवाइयों की दुकान है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमने अभी अपना ये प्रयास शुरू किया है और शीघ्र ही हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। तो कितनी लगभग दवाई अपने पास है अभी मेरे पास? कौन कौन सी बीमारी से लेके, जो जनरल बीमारी है या हर तरह की बीमारी की? बेसिकली दवाई हमारे पास हर दवाई अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसमें लिए हमको टाइम देना पड़ेगा, रेडी नहीं है वो। हमारा प्रयास है कि हम शीघ्र ही रेडी दवाइयां मिल जाए, इस तरह का कोई बड़ा। तो वो आपको कितने दिन? अभी हम लोग को अगर कोई सुबह बता देता है तो हम शाम तक दवाई अवेलेबल करा देते हैं, कोई भी दवाई जो बाजार में अवेलेबल है। बाजार में अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको अवेलेबल कराना, उसके लिए जैसे आजकल चल रहा है
जो ब्लैक फंगस की दवाई है, कोरोना की दवाई है, नहीं कोरोना की दवाई तो हमने बेसिक रेट से कम रेट में देते हैं आज भी, जबकि लोगों ने उसको ब्लैक किया है काफी, फेवी फ्यू है जैसे जी, तो 1200 कुछ रुपए की, हम 1100 रुपए में दे रहे हैं, तो जो अवेलेबल है वो हम देते हैं, और उसके लिए ऐसा नहीं कम अवेलेबल तो ज्यादा रेट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी रेट हमारा जो प्रॉफिट है वो सरकार के टैक्स से कम है। तो कोई नंबर आपका है, एक बार नंबर आप बता दीजिए ताकि लोग आपको संपर्क कर सके कोई दवा अगर जी। हाँ, मेरा नंबर ये जो है ये 10 से 5 अवेलेबल है, और ये है 7665555600। दोबारा बोलता हूँ, 7665555600। मुसीबत मुसीबत में पड़े लोगों के लिए नहीं, आराम की ज़िंदगी जीने वालों के लिए परीक्षा की घड़ी होती है, और MS नाथावत साहब जैसे लोग इस परीक्षा में पास होते हैं। आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ, ताकि सबको सस्ती दवा मिल सके। जय हिंद।